हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में समीकरण को हल करके एक्स का मान निकालना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, एक्स का मान निकालें और दो समीकरण दिए हुआ है, ठीक। एक इस टाइप के क्वेश्चन है और दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। इस वीडियो में दोनों टाइप के आसानी से हल करके एक्स का मान निकालना सिखाएंगे। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ क्या है, 5/3x = 2, और यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 2 है तो इसको 2/1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो नीचे 1 रहता है इसका कोई माने मतलब नहीं रहता है, ठीक। सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए 1 लिख दिए हैं। अब बटा में 1 लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। 5 में 1 से गुना करेंगे और 3x में 2 से गुना करेंगे, ठीक। तो 5 में जब 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, तो इधर 5 लिख दिए। अब यहाँ 3x में जब 2 से गुना करेंगे तो बराबर के उस साइड लिखेंगे कितना, 3 दुना 6, 6x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण में जिसका मान निकालना रहता है यानी ABCD में का जो भी अक्षर रहता है उसको बाएं साइड रखते हैं, ठीक। तो 6x यानी जो 6x है इस साइड लाएंगे, तो 6x को इस साइड लिख दिए और जो 5 है बराबर के उस साइड चल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो 6 है x के साथ क्या है, गुना में है, तो बराबर के जब उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो x के साथ गुना में रहता है वो बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो x बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पहले से है तो 5 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ 6 जो है यानी 6 जो है x के साथ गुना में है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानी इसके बटा में चल जाएगा, ठीक। तो x बराबर जो 5/6 आया यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब जो दूसरा प्रश्न है अब इसको आसानी से हल करके x का मान निकालते हैं। तो अब यहाँ भी क्या है, 2/3 + 2x = 4 है, तो 4 के बटा में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। अब 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो तिरछा गुना कर देंगे यानी 2 में 1 से गुना करेंगे और 3 + 2x = 4 से गुना करेंगे, ठीक। तो 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर के उस साइड जब लिखेंगे इसको इसमें गुना करके तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 × 3 + 2x, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट गुना कर देते, 3 चौका 12 हो जाता, + 4 × 2 = 8। तो एक स्टेप और बढ़ा दिए यहाँ। अब यहाँ आगे जब सॉल्व करेंगे इस साइड वाला जो है इस साइड लाएंगे और इस साइड वाला उस साइड भेज देंगे, तो उधर क्या है, 4 3 + 2x। अब 2 को उस साइड भेजेंगे तो 2 उस साइड चल जाएगा, ठीक। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब 4 में 2x से गुना होगा, 4 × 2 = 8x हो जाएगा, ठीक। अब बराबर के उधर क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x इधर लिखेंगे, ठीक। अब जो 12 इधर है प्लस में है, अब बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे, 2 पहले से तो 2 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ 12 प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8x = यहाँ 1 प्लस में है 1 माइनस में है तो घट जाएगा, तो 12 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, 12 है, 12 के साथ माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या इधर लिखेंगे, इधर पहले से -10 है, अब इधर x के साथ 8 जो है गुना में है, बराबर की इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानी इसके बटा में चल जाएगा, ठीक। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 2 5 10। अब कटने वाला नहीं है तो x का वैल्यू कितना आ गया, लिखेंगे यहाँ, इसीलिए x बराबर यहाँ ऊपर कितना है, 5 है और बटा में 4 है, ठीक। अब यहाँ जो माइनस है माइनस यहाँ लगा देंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से आसानी से हल कर सकते हैं और एक्स का मान निकाल सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये क्वेश्चन है 6/2x = 10, इसमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।